दुनिया भर में कोहराम मचाने वाला और कोरोना वायरस भारत में पैर पसारता जा रहा है। देश में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 310 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से जनता कर्फ्यू की अपील की है। इसी बीच भारतीय रेलवे ने 3,700 पैसेंजर और लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान किया है। वहीं निजी क्षेत्र की एयरलाइंस गो एयर और इंडिगो ने भी रविवार को अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी है। रेलवे के मुताबिक शनिवार रात से रविवार रात 10 बजे के बीच देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से कोई भी यात्री या एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेगी। रेलवे बोर्ड का कहना है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और सिकंदराबाद में उपनगरीय रेल सेवाओं में कटौती की जाएगी और केवल उतनी ही ट्रेन चलाई जाएगी जिससे ज़रूरी यात्राएँ संभव हो सके। हर जोन को ये शक्ति दी जाती है इस बात का फैसला ले कि रविवार को वो कितनी ट्रेन को चलाने की मंजूरी मिले। इधर गोयर ने जनता कर्फ्यू के दिन स्वेच्छा से अपनी सभी उड़ानें रद्द करने की घोषणा की है। एयरलाइन का कहना है कि गोयर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित जनता कर्फ्यू के समर्थन में 22 मार्च को स्वेच्छा से अपनी सभी उड़ानें रद्द करने का फैसला लिया है। वहीं विस्तारा ने भी रविवार को अपनी घरेलू उड़ानों में कटौती करने का ऐलान किया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।